अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग जो है वो डिटेल्ड कश्मीर टूर है। कश्मीर का टूर हम लोगों ने किया था ईद के बाद, तो उसका व्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस कंपाइल करनी थी। तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स भी मैं साथ दूंगी कि हम लोग किस तरह गए, किस कंपनी के साथ गए, ट्रैवल कंपनी के साथ और कितना एक्सपेंस आया। जी, तो हम लोग यहाँ से निकले मुल्तान से लाहौर के लिए। लाहौर से आगे डिपार्चर था हम लोगों का ट्रैवल कंपनी के साथ। मुल्तान से हम लोग निकले और लाहौर पहुँचे। लाहौर में हम लोगों ने KFC में डिनर किया। उसके बाद हम लोगों का डिपार्चर था 11 o'clock। 11 o'clock हम लोगों ने सफ़र शुरू किया रात को, और हम लोग फिर सुबह सुबह पहुँचे मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद में हमारा पहला स्टॉप था व्यू पॉइंट, आई थिंक मुजफ्फराबाद व्यू पॉइंट। और उसके बाद फिर हम लोग धानी वाटरफॉल और कुंडल शाही वाटरफॉल वहाँ गए। और उसके बाद हम लोग वहाँ से हम लोग निकले और हम लोग पहुँचे कश्मीर व्यू पॉइंट। कश्मीर व्यू पॉइंट बहुत ज़बरदस्त जगह है वो। कश्मीर जब जैसे ही शुरू होता है तो उन्होंने दरिया नीलम पर कुछ पॉइंट्स बनाए हुए छोटे छोटे, ठीक है, पानी में जा पियाँ वगैरह, चेयर्स वगैरह चीज़ें रखे ताकि लोग इन्जॉय कर सकें। वहाँ हम लोगों ने पकौड़े वगैरह, चना चाट, फ़िश और चिकन पकौड़ा, इस टाइप की कुछ चीज़ें इंजॉय की। एक बात नोट करने वाली है वो ये कि जो पंजाब के खानों का टेस्ट है वैसा टेस्ट कहीं भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। पंजाब के खानों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से एंजॉय करने के बाद हम लोग नेक्स्ट लाइट्स में फायरिंग होती है वहाँ में चौकी आर्मी। यार नीलम की आवाज़ सुन के मैं तो हैरान हो रही हूँ। नेक्स्ट स्टॉप हमारा था कुंडल शाही वाटरफॉल, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो वो बहुत खूबसूरत है, दूसरा उसका बहुत तेज़ पानी गुजरता है वहाँ से, बहुत ज़्यादा फ्लो बहुत ज़्यादा पानी का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसकी है वो जो ये पढ़ने वो तो पढ़ने ही है ना। 2018 में डॉक्टर्स का एक ग्रुप गया था वैसे इंजॉय करने के लिए। तो ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, उस वक्त ये बहुत नाजुक हालत में था, ये तो दोबारा बनाया गया। तो वो सब इस पे खड़े हुए थे और पिक्चर्स लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ब्रिज गिर गया था और 25 के 25 डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ से बह गए थे पानी में और उनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए ये इंसिडेंट जो है ना ये बहुत वायरल हुआ था और बहुत मशहूर इंसिडेंट है। हम लोगों का बहुत लॉस हुआ था, इतने इंपॉर्टेंट लोग जान से चले गए। देखें यहाँ से इसका पानी कितना तेज़ है और इस जगह से वो लोग गिरे थे। और ये एक बच्चा है साइम शहीद, इसके नाम से अभी इन्होंने ये बनाया है ब्रिज दोबारा। इस बच्चे ने क्या किया था, जब वो डॉक्टर्स नीचे गिरे तो इसने वहीं से छलांग लगा दी थी उनको बचाने के लिए, और ये भी शहीद हो गया था। तो इसलिए इसके नाम से ये ब्रिज दोबारा बनाया और ये यादगार के तौर पर उसका नाम लिखा हुआ है बच्चे का, शहीद का। डबल फोटो शो होता है वो कैसे आता है? एक डबल फोटो शो होने में वो कैसे? कोई बंदा नहीं जा सकता बहजे के साथ। कहाँ फिर वहाँ तक गया था? नहीं नहीं गया ही नहीं, आगे तो हाथ लगाएगा।
यहाँ से इधर को जाके ये रोड सीधा मुजफ्फरगढ़ 30-35 किलोमीटर बाद मुजफ्फरबाद की रोड, ये कश्मीर है ये पाकिस्तान। हमारा अगला सफ़र शुरू हुआ नाश्ते के लिए और हम लोग एक रेस्टोरेंट पहुँचे, वहाँ हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता अच्छा था पर थोड़े अर्ली थे पराठे, लेकिन ठीक था और व्यू बहुत ज़बरदस्त था। वही मैं देख रही थी पहले, नाश्ता किया उससे बाहर व्यू बहुत ज़बरदस्त था। ये ब्रेकफास्ट टाइम शुरू हो गया है और ये नहीं, ये मैं वो जूसी बना रही हूँ, इसमें कोई नहीं है, है। दोबारा सफ़र शुरू हुआ और नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी धानी वाटरफॉल। धानी वाटरफॉल भी एक बहुत अमेजिंग जगह है, देखकर ही पता चलता है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी होना शुरू हो गई थी और ये मैं ब्लॉग के लिए बना रही हूँ। पिक्चर तो बनाओ। बनाती हूँ यार, आ जाएंगे फिर लोग। तरबूज कट रहे हैं, तरबूज पार्टी एंड खरबूजा पार्टी चल रही है। दादा में खुद ही काटा जा रहा है, खुद ही खाया जा रहा है, अलबत्त पैसे दिए जा रहे हैं। दिखाए ना कटा हुआ, तो दिखाए। मैंने दिखा दिया, मज़ेदार है, ठंडा और फ्रेश है। हमने सुबह से पकौड़े पराठे फजूल याक बहुत ज़्यादा खाई हैं और ये उनका त्रयाक तैयार हो रहा है हमारे, हम खा रहे हैं। ओके जी, ओके। दोबारा हमारा सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में काफ़ी डैम्स वगैरह भी थे, उनमें से नज़र आ रहा था पानी बहुत स्पीड से बाहर आ रहा है। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी LOC, कश्मीर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो देखते हैं वहाँ पर कैसा सीन होता है। नीलम डैम है ना ये? हाँ, आपसे जी। तो यहाँ हम LOC पहुँच चुके थे और ये एक पॉइंट बना हुआ है काफ़ी ऊंचा, वहाँ से इंडिया और पाकिस्तान साफ नज़र आते हैं और साफ पता लग रहा होता है कि ये पाकिस्तान का एरिया और ये इंडिया का है। कश्मीर और ये इंडिया का झंडा लगा हुआ है। किस तरफ इंडिया, किस तरफ पाकिस्तान है? वो फ्लैग नजर आ रहा है ब्रिज, ये हाँ ब्रिज से उस साइड पे इंडिया है, इस साइड पे हम, वो रोड सारे और ये जो घर जितने भी हैं सारे इंडिया के हैं, वो छोटे बच्चे भी इंडिया के साथ साइड के हैं सारे इंडिया। ये गाड़ी तस्वीर खींच लेते हैं, फर्स्ट कप एक तस्वीर, दो तीन तस्वीरें खींच दो बस करो। चलो ऊपर चलते हैं, वहाँ पर पहुँचे रूम में, रूम भी अच्छे थे, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त दरियाए नीलम के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे होटल्स बने हुए थे। वहाँ पे हम चार लोग थे, दो लोगों का ऊपर अरेंजमेंट हुआ, दो लोगों का नीचे, और अच्छा रूम था। ये भी उन्हीं की तरफ से था, ट्रैवल कंपनी की तरफ से सारा अरेंज था। रूम में थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग गए डिनर के लिए, डिनर भी अच्छा था, वन डिश डिनर था, अच्छा था। स्टे ट्यून्ड फॉर कश्मीर टूर पार्ट 2 एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।